हेलो गाइस, वेलकम टू रियल कार्फैक्ट्स। एंड कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग मजे में होंगे और मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे टॉप 10 एसयूवी कार्स इन टर्म्स ऑफ सेल एंड देखेंगे कौन सी ऐसी 10 एसयूवी कार्स है जिन्होंने जनवरी मंथ में सबसे ज्यादा सेल करी है। तो गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 10 पोजीशन की कार की। तो नंबर 10 पोजीशन में जो कार आती है वो आती है हुंडई की तरफ से, हुंडई एक्स्ट्रा। हुंडई एक्स्ट्रा की सेल की बात करूं तो हुंडई एक्स्ट्रा ने जनवरी मंथ में 8,325 यूनिट सेल करी है। एंड वही अगर इसको मैं कंपेयर करूं इसकी लास्ट मंथ की सेल से, तो लास्ट मंथ में जो उन्होंने सेल की थी वो थी 7,516। सो गाइज, अगर मैं हुंडई एक्स्ट्रा की सेल्स की बात करूं तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि ये कार अपनी एक्सपेक्टेशन पे इतनी खरी नहीं उतरी है। एंड जहां तक मुझे लगता है कि ये कार की सेल्स और बढ़नी चाहिए। एंड हम देखते हैं कि आने वाले कमिंग मंथ्स में ये कार और कितना अच्छा परफॉर्म करती है। सो गाइज, अब बात करते हैं नंबर 9 पोजीशन की कार की। तो नंबर 9 पोजीशन पे जो कार आती है वो आती है महिंद्रा बुलेरो। महिंद्रा बुलेरो की अगर मैं जनवरी मंथ की सेल की बात करूं तो महिंद्रा बुलेरो की जो जनवरी मंथ में यूनिट सेल हुई थी वो थी 9,333 यूनिट्स। एंड वहीं अगर इसको कंपेयर करूं इसके दिसंबर मंथ की सेल से, तो दिसंबर मंथ में इन्होंने 7,995 यूनिट सेल की थी। सो अगर गाइस आप महिंद्रा बुलेरो की बात करोगे तो महिंद्रा बुलेरो की अगर आप सेल्स देखोगे ना, तो आपको वो सिटीज से ज्यादा रूरल एरियाज में आपको ज्यादा सेल देखने को मिलेगी। बट जब से बुलेरो न्यू लॉन्च हुई है तब से कहीं ना कहीं सिटीज में भी लोग इस कार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड वी होप कि आने वाले टाइम्स में महिंद्रा बुलेरो भी इन टर्म्स ऑफ सेल्स और अच्छा परफॉर्म करेगी। सो गाइस, अब बात करते हैं इस सेगमेंट की नंबर 8 पोजीशन की कार की। नंबर 8 पोजीशन पे जो कार आई है वो आती है मारुति की तरफ से, मारुति फ्रॉन्क्स। एंड मारुति फ्रॉन्क्स की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो मारुति फ्रॉन्क्स ने दिसंबर मंथ में जो सेल की थी वो थी 9,867 यूनिट। एंड वहीं अगर इसमें सो कंपेयर करूं इसके दिसंबर मंथ की सेल से, तो दिसंबर मंथ में इस कार ने जो सेल की थी वो थी 9,692 यूनिट्स। तो थोड़ा बहुत माइनर आपको इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा इस कार की सेल्स में। एंड अगर मारुति फ्रॉन्क्स की भी सेल की बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ये कार अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग सेल कर पा रही है। काफी गुड लुकिंग कार है, देखने में काफी अच्छी लगती है, डिजाइन वाइज काफी अच्छी कार है ये। एंड बट मुझे लगता है कि सेल्स के मामले में ये कार और अच्छा कर सकती है। एंड देखते हैं कि आने वाले मंथ्स में ये कार कितना अच्छा परफॉर्म करती है। सो गाइस, बात करते हैं अपने नेक्स्ट कार की। एंड बात करते हैं नंबर 7 पोजीशन की कार की। तो नंबर 7 पोजीशन पे जो कार आती है वो आती है हुंडई की तरफ से, हुंडई वेन्यू। वेन्यू की सेल्स की अगर मैं बात करूं तो वेन्यू ने जनवरी मंथ में जो सेल्स की है वो है 11,180 यूनिट्स। एंड वहीं अगर इसको कंपेयर करूं इनकी दिसंबर मंथ की सेल से, तो दिसंबर मंथ में जो उन्होंने सेल की थी वो थी 10,333 यूनिट्स। सो हुंडई वेन्यू भी एक ऐसी कार है जिसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कार देख रहे हो तो वेन्यू काफी लोगों की एक फर्स्ट चॉइस बन के आती है। एंड ये कार सेल्स के मामले में भी काफी अच्छा परफॉर्म करती है इस कंपनी की बाकी कारों में से। एंड वी होप कि आने वाले टाइम में ये कार और अच्छा परफॉर्म करेगी। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 6 पोजीशन की कार की। एंड नंबर 6 पोजीशन पे जो कार आती है वो आती है किया की तरफ से, किया सेल्टोस। एंड किया सेल्टोस की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो किया सेल्टोस ने जनवरी मंथ में 11,684 यूनिट सेल की थी। एंड अगर इसको कंपेयर करूं इसकी लास्ट मंथ की सेल यानी कि दिसंबर की सेल से, तो दिसंबर में इन्होंने 9,957 यूनिट सेल की थी। एंड कहीं ना कहीं किया सेल्टोस का जब से फेसलिफ्ट आया है लोगों को काफी ज्यादा ये कार अट्रैक्ट कर रही है। काफी अच्छे डिजाइन के साथ ये कार आई है, काफी सारे फीचर्स इस कार में आपको मिल रहे हैं। एंड काफी लोग इस कार को बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं। तो आगे मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये कार की जो सेल्स है ना वो और ज्यादा बढ़ेगी। सो गाइस, अब बात करते हैं नंबर 5 पोजीशन की कार की। नंबर 5 पोजीशन पे जो कार आती है वो आती है अगेन हुंडई की तरफ से, हुंडई क्रेटा। अगर हुंडई क्रेटा की सेल की अगर मैं बात करूं तो हुंडई क्रेटा ने जो जनवरी मंथ की सेल है वो है 11,814 यूनिट्स। एंड वहीं अगर इसको कंपेयर करूं इनकी लास्ट मंथ की सेल यानी कि दिसंबर की सेल, तो दिसंबर में जो उन्होंने सेल की थी वो थी 9,243 यूनिट्स। सो गाइस, क्रेटा एंड सेल्टोस ये दोनों जो कारें हैं ना, ये इन टर्म्स ऑफ सेल्स भी काफी ज्यादा कंपटीशन चल रहा है इन दोनों कारों के बीच में, काफी क्लोज है। अभी दोनों का फेसलिफ्ट आया है, लोगों को दोनों का फेसलिफ्ट बहुत अच्छा लग रहा है। क्रेटा वैसे ही पहले से इस सेगमेंट को रूल करता आ रहा था। अगर मैं बात करूं एसयूवी सेगमेंट में तो पहले से ही ये कार एसयूवी सेगमेंट को रूल करती हुई आ रही थी। एंड जैसे इसका फेसलिफ्ट आया है वैसे ही इस कार की डिमांड भी कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ रही है। एंड इस कार की सेल्स आपको आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी, बिकॉज ये कार काफी ज्यादा पसंद आ रही है लोगों को।
सो गाइस अब बात करते हैं नंबर फोर पोजीशन की कार के। नंबर फोर पोजीशन में जो कार आती है वो आती है महिंद्रा स्कॉर्पियो। एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो महिंद्रा स्कॉर्पियो की जनवरी मंथ की जो सेल है वो है 12,185 यूनिट्स। एंड अगर वहीं इसको कंपेयर करें इसके दिसंबर मंथ की सेल से तो दिसंबर मंथ में इस कार ने 11,355 यूनिट सेल की थी। तो कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एक ऐसी कार है ना जिसको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। काफी पावरफुल इंजन इस कार में आपको मिलता है एंड काफी कैपेबल कार है ये। एंड वैसे भी स्कॉर्पियो की लेगेसी आप पहले से भी देखते आ रहे हो, लोगों को स्कॉर्पियो सिर्फ अपने नाम से बिकती है, एक ब्रांड है स्कॉर्पियो। एंड ये कार आपको हमेशा टॉप एसयूवी सेगमेंट की लिस्ट में जरूर मिलेगी। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर थर्ड पोजीशन की कार की। नंबर थर्ड पोजीशन पे जो कार आती है वो आती है मारुति की तरफ से, मारुति ब्रेजा। मारुति ब्रेजा की जनवरी मंथ की सेल की अगर मैं बात करूं तो मारुति ब्रेजा ने जनवरी मंथ में 13,393 यूनिट सेल कही है। अगर वहीं से कंपेयर करूं दिसंबर मंथ से तो दिसंबर मंथ में इस कार ने 12,844 यूनिट सेल की थी। मारुति ब्रेजा की अगर मैं बात करूँ ना तो मारुति ब्रेजा भी काफी टाइम से, काफी लंबे टाइम से इंडियन मार्केट में है एंड काफी ज्यादा लोगों को ये कार पसंद आ रही है। जब इसका फेसलिफ्ट लॉन्च हुआ था उसके बाद से इस कार ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया एंड काफी लोग इस कार की तरफ जाते हैं बिकॉज ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट है इस सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कारों में से एक है एंड ये कार हमेशा टॉप 10 एसयूवी में आती है। सो गाइस अब बात करें नंबर सेकंड पोजीशन की कार की, तो नंबर सेकंड पोजीशन में जो कार आती है वो आती है टाटा की तरफ से, टाटा पंच। एंड टाटा पंच की अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो टाटा पंच ने जनवरी मंथ में 40,383 यूनिट सेल की थी। अगर वहीं इसको कंपेयर करूँ दिसंबर मंथ से तो दिसंबर मंथ में जो इस कार की सेल थी वो थी 13,787 यूनिट। टाटा पंच मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की वन ऑफ द बेस्ट कारों में से एक है एंड वो चीज इसकी कहीं ना कहीं इसकी सेल्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। हमेशा इस कार ने 10,000, जब से ये कार लॉन्च हुई है हमेशा इस कार ने 10,000 प्लस यूनिट सेल करी है एंड हमेशा से ये कार मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में लीड करती हुई आई है एंड कहीं ना कहीं ये अपने जितनी भी कॉम्पिटिशन की इसकी कार है उनमें से काफी ज्यादा आगे आपको दिखाई देती है। जिस सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की, उसमें ये हमेशा ये कार आपको उस सेगमेंट की कारों में से हमेशा आगे ही दिखती है। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर वन पोजीशन की कार की, तो नंबर वन पोजीशन पे जो कार आती है वो आती है टाटा की तरफ से, टाटा नेक्सॉन। एंड टाटा नेक्सॉन की अगर मैं सेल्स की बात करूं तो टाटा नेक्सॉन की जनवरी मंथ की जो सेल्स है वो है 14,913 यूनिट्स। एंड अगर वहीं कंपेयर करूं इसको उसकी लास्ट मंथ दिसंबर की सेल्स, तो दिसंबर मंथ में जो उन्होंने सेल की थी वो थी 15,284 यूनिट्स। तो आपको थोड़ी बहुत कमी दिख रही होगी इसकी दिसंबर एंड जनवरी मंथ की सेल में, बट फिर भी ये कार नंबर वन की पोजीशन हासिल करने में कामयाब हुई है एंड वी होप कि आने वाले टाइम में ये कार और ज्यादा यूनिट सेल करेगी। एंड ये कार वैसे भी टाटा की टॉप मोस्ट सेलिंग कार में से एक है। सो गाइज ये थी टॉप 10 एसयूवी एंड कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की कार्स। सो गाइज आपको क्या लगता है कि कौन सी कार इनमें से अंडर परफॉर्म कर रही है एंड किस कार की सेल्स आपको लगता है और ज्यादा होनी चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में गाइज इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।